वेलकम टू पीएम पाठशाला गाइस। आज हम लेकर आए हैं साइंस एंड टेक की शॉर्ट बेसिकली, और ये विजन आईएएस की करंटली आपकी करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन है जुलाई 2024 की। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला गाइस। हमने ऑलरेडी हमारे जुलाई 2024 के अपने सातों टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आज हम साइंस एंड टेक के शॉर्ट्स कर रहे हैं। जो भी चैनल पे नए हैं वो देख सकते हैं पिछले 2 साल की वीडियोज़ विद एमसीक्यूज़। आप चेक कर सकते हैं, अपने नॉलेज को आगे बढ़ा सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आपकी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। जस्ट फॉलो पीएम पाठशाला थॉरली रिलीजियसली बेसिकली। सो लेट्स स्टार्ट, नॉट गिव द मच टाइम ऑन इधर उधर की बातों में। लेट्स गिव अ बेसिक कॉन्सेप्ट, लेट अंडरस्टैंड शॉर्ट्स का सबसे पहला पार्ट। देखो ग्लोबल ना, इंडिया की AI समिट हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक समिट हुई 2024 में, और इस समिट के जो आउटकम्स हैं वो थोड़ा सा याद कर लेते हैं। देखो सबसे पहला आया कि हम ना AI का डेमोक्रेटाइज करेंगे, हम AI को मतलब सभी के लिए एक्सेसिबल बनाएंगे, सभी यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि हम ना एक इंटीग्रेटेड पार्टनरशिप करेंगे ऑन AI। OECD और GPAI ने, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मिलकर ये अनाउंस किया है कि हम ना इंटीग्रेटेड पार्टनरशिप करेंगे, सभी के लिए एक्सेसिबल बनाएंगे और रिकॉग्निशन देंगे, फ्यूचर विजन तैयार करेंगे। और एक बेसिकली न्यू दिल्ली का 2023 का जो GPAI मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन था उसको भी हमने रिकॉग्नाइज करा। तो ये तीन बेसिक आउटकम यहाँ पर निकल कर आए, ठीक है। राइट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्वांटम कन्वर्जेंस पे, क्वांटम गवर्नेंस पे, सॉरी। क्वांटम गवर्नेंस क्या होता है हम समझ रहे हैं, और ये आया ही क्यों रिसेंटली, क्या हुआ। यूनिवर्सिटी जो ऑक्सफोर्ड की है ना, उसने बोला अभी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कि भाई हम ना कॉशन करना चाहते हैं दोज हु आर अगेंस्ट इन्फ्लेटेड एक्सपेक्टेशंस ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजीज। कह रहे जो भी ना इन्फ्लेटेड आपकी एक्सपेक्टेशंस है उसके लिए थोड़ा सा हम आपको सजगता देना चाह रहे हैं, थोड़ा कॉशन करना चाह रहे हैं। देखो इन्फ्लेटेड क्या होता है, इन्फ्लेटेड का मतलब समझते हो, इन्फ्लेटेड का ये मतलब क्या है। इन्फ्लेटेड मतलब होता है कुछ ना फुलाना, जैसे इन्फ्लेशन, इन्फ्लेटेड क्या होता है, हवा भरना किसी चीज़, जैसे गुब्बारे को हम इन्फ्लेट करते हैं, है ना। तो ऐसे ही बेसिकली आपने क्या करा, उसमें आपने इन्फ्लेटेड एक्सपेक्टेशंस पाल ली हैं, कि मतलब ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के आपने उसको पाल ली है पूरी इन्फ्लेटेड एक्सपेक्टेशंस। तो उसको हम, यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि आपने, देयर इज अ नीड टू बी प्लेड डाउन अ लॉट, मतलब आपको ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं जो आपकी पूरी नहीं होने वाली है, इससे आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है। जैसे आप बिना पढ़े कहो नहीं मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा जी, नहीं मेरा जो मेंस निकल जाएगा जी, मैं तो IAS ऑफिसर बन जाऊंगा बिना पढ़े, ये फिर आपकी कैसी एक्सपेक्टेशन है, इन्फ्लेटेड एक्सपेक्टेशंस है। अच्छा, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी पोटेंशियल, एग्जाम्पल जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग है, क्वांटम सेंसर्स हैं, है ना। अच्छा, इसमें जैसे कि आप क्वांटम पोटेंशियल तो है इनमें, लेकिन याद रखना है इसमें ना बहुत मिसयूज़ का भी रिस्क है। देखो आप बात को समझो, माना कि डिजिटल सिक्योरिटी भी देता है लेकिन एक रिस्क भी देता है, ये भी ध्यान रखो आप। क्वांटम टेक्नोलॉजीज को आप हल्के में मत लेना। दूसरा इस रिगार्ड में कह रहा है कि क्वांटम गवर्नेंस पर अगर आप बात करते हो तो ये अवेयरनेस का काम करता ही है। ये बेसिकली बेनिफिट्स ये भी तैयार करवा रहा है कि हम ना ह्यूमन काइंड के अगेंस्ट ना जाएं, कोई भी काम हम ह्यूमन काइंड के अगेंस्ट ना करने लग जाएं, ये भी हमें ध्यान देना है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि क्वांटम गवर्नेंस होता क्या है। देखो क्वांटम गवर्नेंस में यहाँ बोल रहा है कि ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जिसने पहली बार ऑब्जर्व किया, डिस्कस किया क्वांटम गवर्निंग कंप्यूटिंग गवर्नेंस को। अब आपसे सवाल पूछ सकता है UPSC या कोई भी और स्टेट PCS एग्जामिनेशन में कि डैश वॉज वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू डिस्कस क्वांटम कंप्यूटिंग गवर्नेंस, तो क्या लिखोगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये आपका काम करता है। अब आपका सवाल देखो क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपको पता है ना इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, सभी जानते हो आप। अब आपको बताना है कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम ही होता है इम्प्रूव करना स्टेट ऑफ वर्ल्ड, है ना, इंटर गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंट इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है, आपको ये बताना है इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, ठीक है, ये आपका काम है। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइस। अब इन्होंने कहा क्वांटम गवर्नेंस होती क्या है। देखो क्वांटम गवर्नेंस जो है ना वो बेसिकली ये चेक करेगी, देखो गवर्नेंस का मतलब क्या होता है,
है ना। आपको जब पॉलिटी गवर्नेंस पढ़ाया जाता है, तो मैंने आपको कई बार ही बताया है गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। देखो, गवर्नेंस का एक सीधा सा मतलब है कि आपको प्रोसेसेस, फंक्शन, स्ट्रक्चर, रूल्स को के बेस पर ही सब चीज़ों को काम करना है। यानी ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम का रूल जो कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करे और एक ऐसा डिसीजन ले जिसमें कि ना इंस्टीट्यूशंस प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग कर पाए। ठीक है, इसमें भी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। चार तरह के गवर्नेंस होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, ठीक है? तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड ना, आप तो यूपीएससी के बच्चे हैं, तो आपको बताना है चार तरह के गवर्नेंस कौन कौन से होते हैं। एक मैं हिंट दे देती हूँ, कॉरपोरेट गवर्नेंस, बाकी आपको खुद से बताना है कि क्या होता है। ठीक है, तो याद रखना, अगर कभी भी बात आ जाए गवर्नेंस की, तो वाई वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नेंस, क्योंकि गवर्नेंस ही है जो हमें बताती है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को कैसे अपने पब्लिक अफेयर्स रखने हैं, कैसे पब्लिक रिसोर्सेज को रखना है। और गुड गवर्नेंस जरूरी क्यों है? क्योंकि गुड गवर्नेंस अगर होगी तो इससे हमारे किसी भी जगह पर होगी। देखो, कोई बिजनेस में गवर्नेंस होगी अच्छी, तो फिर वहां पर परफॉर्मेंस बिजनेस की अच्छी होगी, वो बहुत स्टेबल प्रोडक्टिव होगा, वो नई नई अपॉर्चुनिटीज को जन्म देगा। तो यानी कि समझो आप, गवर्नेंस कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर क्वांटम गवर्नेंस भी हो रही है, तो वो इन इन प्रिंसिपल्स पर हो रही है: ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूसिवनेस, एक्सेसिबिलिटी, नॉन मेलिफिसेंस, इक्विटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, कॉमन गुड पर। अब क्यों जरूरी है क्वांटम गवर्नेंस पे काम करना? क्योंकि इससे हमारे क्वांटम कंप्यूटिंग रिस्पॉन्सिबल वे में डेवलप होगी, और लोगों को इस पर, टेक्नोलॉजी पर ट्रस्ट भी आएगा। एथिकल कंसिड्रेशन जो हमारा हर बारी रहता है कि कैसे एड्रेस करें क्वांटम कंप्यूटिंग एथिक्स को, वो भी दूर होगा। हमें लर्निंग मिलेगी टेक्नोलॉजी से, बाय अप्लाइंग एथिकल प्रिंसिपल्स फ्रॉम एआई, नैनोटेक से, ये भी हमें मदद मिलेगी। फिर यहाँ कह रहा है कि और फायदे अगर मैं बताऊँ तो आपको, तो चैलेंजेस में भी मदद मिलेगी। कह रहा, देखो, जो भी रिसर्चर्स हैं जो फेवर ओपन क्वांटम फ्रेमवर्क्स को करते हैं, वाइल नेशनल पॉलिसीज जो होती हैं वो प्रायोरिटाइज करती हैं स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, कह रहा देखो ये वाले भी फायदे मिलेंगे। प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट ड्राइवन अप्रोच मिलेगी, जिससे जो जो भी जैसे आपका ओपन कंप्यूटर डेवलपमेंट होगा, प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट ड्राइवन अप्रोच के साथ वो काम कर सकते हैं। हालांकि बड़े लिमिटेड एविडेंस है ऑन द इम्पैक्ट कि कैसा रहेगा ये इनोवेशन पर हमें वो ना, देखो चैलेंजेस तो हैं देखो, लेकिन आप समझो हमें चलना तो क्वांटम गवर्नेंस पे ही होगा, क्वांटम कंप्यूटिंग की गवर्नेंस पे ही होगा। माना दिक्कत है कि ओपन क्वांटम फ्रेमवर्क फेवर कैसे करेगा, नेशनल पॉलिसीज कैसे प्रायोरिटाइज करेंगी, कैसे प्राइवेट सेक्टर आएगा, कैसे हमारा इम्पैक्ट जो होगा वो कैसे इस पे दूर होगा, उसके लिमिटेड एविडेंस भी है हमारे पास। तो चैलेंजेस तो हैं, लेकिन हमारी ज़रूरत भी है कि इस पे हम काम करें। अब क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या होती है? देखो, क्वांटम टेक्नोलॉजी अर्ली 20th सेंचुरी में क्वांटम मैकेनिक्स के फॉर्म में ऑलरेडी आ चुकी थी। और ये बेसिकली क्या करती है? ये बेसिकली डिस्क्राइब करती है नेचर एट द स्केल ऑफ एटम्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब ये जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है, ये कहाँ कहाँ अप्लाई होती है? सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, बेटर प्रेडिक्शन के लिए, कंप्यूटिंग के लिए, हेल्थ केयर के लिए, क्रिप्टोग्राफी के लिए, ये हर जगह यहाँ पर क्वांटम टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है। क्या ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं इंडिया के द्वारा? तो बिल्कुल, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी हो, चाहे चाहे 21 क्वांटम हब्स हो, ये सभी के सभी इनिशिएटिव्स का इस्तेमाल किया गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है स्नो ब्लाइंड मालवेयर। देखो, मालवेयर है, मालवेयर का मतलब साफ होता है कि बेसिकली टारगेट किया जा रहा है एंड्रॉयड डिवाइसेस को, उनकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन। देखो, आप लोगों के मोबाइल, जो भी बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, बेटे बिल्कुल सिक्योर हो जाओ, क्योंकि बैंकिंग इन्फॉर्मेशंस को सील किया जा रहा है। आपकी और भी जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस हो रही हैं उसको सेव करना बहुत ज़रूरी है। मालवेयर का मतलब ही होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जो आपके एक प्रोग्राम की तरह जाएगा किसी फाइल में और इंटेंशनली आपके कंप्यूटर नेटवर्क सर्वर को बिल्कुल हार्मफुल हार्मफुल तरीके से उस तक पहुंच जाएगा और एक्सेस कर लेगा। अब देखो, लोगों को कैसे पता चलता है? एक्चुअली इसीलिए मैं आपको कहती हूँ, जब भी कोई भी ऐप आप डाउनलोड कर रहे हो, जब तक आपको ना पता हो कि ये लेजिटिमेट नहीं है, तब तक मत करो। सिर्फ देखने पे मत जाओ, आप बैंक की साइट्स यूज कर रहे हो, बैंक अपनी साइट्स और ऐप्स को हमेशा अपडेट कराता रहता है, बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। रीपैकेज करना, डिटेक्शन को दूर करना, मिसयूज को दूर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको बहुत ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी ऐप आपको डाउनलोड नहीं करनी है
जिससे आपकी इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस स्टील हो जाएं। इसी को कहते हैं स्नो ब्लाइंड मालवेयर। ठीक है, इसमें क्या होता है, पीपल यूज गेट दिस वायरस बाय डाउनलोडिंग मेलिशियस ऐप दैट लुक्स लेजिटिमेट। इट री पैकेजेस एन ऐप टू अवॉइड डिटेक्शन एंड मिस यूज एक्सेसिबिलिटी फीचर को ही मिस यूज कर देता है, पूरा कंट्रोल ले लेता है आपके एंड्रॉयड फोन पे नेटवर्क्स पे, तो बच के रहना है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है नेचुरली एग्जिस्टिंग डीएनए एडिटिंग टूल। साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा है ये डीएनए को, हमने पढ़ा है ना डीएनए को एडिट किया जाता है। ठीक है, तो डीएनए को एडिट करने के लिए कोई टूल भी तो चाहिए होता होगा, उस टूल का नया डिस्कवर किया गया है जिसका नाम है ब्रिज रिकॉम्बिनेस मैकेनिज्म। ये बीआरएम क्या करता है, ये ना मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स को यूटिलाइज करने में, जंपिंग जीन्स को यूटिलाइज करने में मदद करता है। ये कट एंड पेस्ट करेगा जीनोम्स को और डीएनए को मैनिपुलेट करके किसी लाइफ फॉर्म को में जाके प्रेजेंट हो जाता है। जंपिंग जीन्स भी स्मॉल डीएनए सेगमेंट है, इसको भी क्या करा जाता है, रिकॉम्बिनेस एंजाइम इसमें लगाकर एक्स्ट्रा डीएनए सेगमेंट पे जाकर इस जीन को एंड ऑफ द जीन और इसको बाइंड करा जाता है। देखो, डीएनए को मैनिपुलेट करने के लिए जंपिंग जीन्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। और क्योंकि हम जीन एडिटिंग पढ़ ही रहे हैं तो डीएनए एडिटिंग में क्या होगा, बेसिकली आप जेनेटिक मटेरियल को ऑर्गेनिज्म में चाहते हो कि ऑल्टर करना, तो इंसर्ट रिप्लेस या डिलीट करोगे आप डीएनए सीक्वेंस को, ताकि आप प्लांट या एनिमल के जेनेटिक डिसऑर्डर को दूर कर पाओ। देखो, इंसानों में बड़ा मुश्किल है मामला ये, लेकिन प्लांट एंड एनिमल्स के डिसऑर्डर्स को, जेनेटिक डिसऑर्डर को रोकने के लिए जीन एडिटिंग की जाती है। इसमें कुछ नहीं करा जाता, बल्कि बस जेनेटिक मटेरियल जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का है उसमें या तो इंसर्ट या रिप्लेस या डिलीट कर दिया जाता है डीएनए के सीक्वेंस को, और उसकी मदद के लिए हम जीन एडिटिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जो ये बीआरएम है, ब्रिज रिकॉम्बिनेस मैकेनिज्म जो है, इसमें क्या होता है, इसमें एक्स्ट्रा डीएनए जो होता है एंड ऑफ द जंपिंग जीन्स में वो ज्वाइन करता है एक साथ और फिर कन्वर्ट कर देता है डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को सिंगल स्ट्रैंडेड में, फिर ये जाकर बाइंड कर देगा दोनों को और फ्लेक्सिबल डीएनए मॉडिफिकेशन हो जाती है। तो डोनर हो, टारगेट लूप हो, उसको इस तरह से इंडिपेंडेंटली प्रोग्रामिंग की जाती है। तो जो भी बच्चों ने क्लास 12th का बायो पढ़ा है ये बातें उनको जरूर समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आप इतना समझ लो, मान लो आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप समझ लो कि एक टूल है जिससे डीएनए मॉडिफिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, और मैं समझती हूँ ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और ऐसा करने के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही तो है जो रिसर्चर्स को रीअरेंज रिकम्बाइन करके देगा डीएनए के सिक्वेंस को, और इससे फर्दर क्या होगा, एडिटिंग थेरोपेटिक्स होगा, ट्रीटमेंट होगी डिजीज की, तो इससे बहुत मदद मिलेगी। क्या और भी जीन टेक्नोलॉजीज हैं, बिल्कुल हैं। एक क्रिस्पर आपका Cas9 है, ये भी एक टूल होता है। ये क्या करता है, साइंटिस्ट इसमें से डीएनए के किसी पीस को काट के एक जगह पर प्रिसाइज स्टेप से इसको आपको स्टेट कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। ऐसे टेल न्यूक्लियरीज है, न्यूक्लियस है, ये क्या करता है, क्लीव करता है यूनिक जीनोमिक सिक्वेंस को और टारगेट पे जाके डीएनए एडिटिंग कर देता है। ऐसे ही जिंक फिंगर वाला न्यूक्लियस है, ऐसे ही आरएनए इंटरफेरेंस है। इस सारों का काम है जीन एक्सप्रेशन पे काम करना। और नेक्स्ट आपका आता है, हमारे पास नेक्स्ट आपका टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज मीटो। ये नया आईवीएफ प्रोसीजर है गाइस, बी वेरी केयरफुल। इसको ऑस्ट्रेलिया के ट्रायल में यूज किया गया था, और ये तरीका है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज को क्योर करने का। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस है सेल का, 90% इसमें एनर्जी होती है ताकि वो लाइफ को सस्टेन कर पाए। माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज, देखो आप समझो बात को, बड़ा ही जबरदस्त बताने जा रही हूँ मैं। आप कह रहा है एक आईवीएफ, आईवीएफ आपको पता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक होती है, जिनके भी बच्चे नॉर्मली नहीं हो पाते हैं तो वो आईवीएफ टेक्नोलॉजी से करवाते हैं। आईवीएफ प्रोसीजर में यही करंटली अंडर ट्रायल है ऑस्ट्रेलिया में। ये मीटो को, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज को दूर करेगा। अब ये क्या होता है, इनहेरिटेड मेटाबॉलिक कंडीशन होती है जो आपके जेनेटिक मिचुएशन की वजह से डीएनए में आ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम नहीं करता, फूड एंड ऑक्सीजन को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम जो होता है वो बहुत खराब हो जाता है। तो टू काइंड ऑफ डीएनए होते हैं, एक न्यूक्लियर डीएनए, एक डीएनए ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो न्यूक्लियर डीएनए है वो आप पेरेंट्स से लेते हो, जो डीएनए ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपको पास डाउन होता है थ्रू मदर, मदर के फॉर्म में आता है। दोनों बातों का हमें पता होना चाहिए।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। देखो, निफा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रायल में बिगिन इन इंडिया इन 2025। समझ लो ये, क्योंकि 2025 में ये शुरू होने वाला है। क्या है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का मतलब है, ऐसी चीजें जिससे आप चाहते हो नेचुरल एंटीबॉडीज को मिमिक करना। क्या करना चाहते हो? मिमिक। मिमिक करना क्या होता है? कॉपी करना। एंटीबॉडीज का मतलब क्या? ताकि इंसान की बॉडी का इम्यून सिस्टम का जो पार्ट है वो एंटीजेंस बना पाए, डिस्ट्रॉय कर पाए दूसरी चीजों को। एप्लीकेशन क्या है? डायग्नोस्टिक होता है इससे। एलिजा टेस्ट होता है ना एड्स को पहचानने के लिए। कह रहा कैसे होगा, मोनोक्लोनल डायग्नोस्टिक का इतना जबरदस्त काम है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का। ये कैंसर, इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को दूर करती है। यही सेल को एनालाइज करती है, ब्लड टिश्यू को पूरी तरह से, उसके सेल टाइप को एनालाइज करती है, उसी को मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहा जाता है। ईईजी के लिए याद रखना, 2024 में 100 साल हो गए हैं इस मशीन को आए हुए। इसका नाम है इलेक्ट्रो एनसेफिलियोग्राफी। ईईजी बेसिकली आपके ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को जानने के लिए किया जाता है। जैसे आपके दिल की धड़कन ठीक चल रही है, हार्ट ठीक से वर्क कर रहा है, ईसीजी का टेस्ट होता है ना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ऐसे ही ब्रेन एक्टिविटीज के लिए ईईजी का टेस्ट कराया जाता है। क्या है ये? स्मॉल मेटल डिस्क है, इसमें इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करा जाता है, स्काल्प के साथ अटैच कर दिया जाता है। ब्रेन सेल अगर सही ढंग से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस ठीक से काम कर रही हैं, वो सब चीजें ईईजी में रिकॉर्ड हो जाती है। इसको क्यों यूज करते हैं, कब कराना पड़ता है ईईजी टेस्ट? जिस भी बच्चों को या जिस भी व्यक्ति को कोई ऐसा ब्रेन ट्यूमर जैसा लग रहा हो, कोई डैमेज लग रहा हो, कोई न्यूरॉन्स ठीक से काम ना कर रहे हो, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लग रहा हो, एपिलेप्सी को डिटेक्ट करने में इस सारा का सारा यूज किया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पर, जिसका नाम है आदित्य L1 कंप्लीट इट्स फर्स्ट हालो ऑर्बिट। तो हालो ऑर्बिट के लिए ध्यान से सुनना क्या है। देखो, आदित्य L1 को इंसर्ट किया गया था हालो ऑर्बिट में इन अर्ली 2024, और 178 डेज बेसिकली लगे ताकि ये रिवोल्यूशन लाग्रेंजे 1 का कंप्लीट हो पाए। L1 पॉइंट क्या है? जहाँ ग्रेविटेशनल पुल है दो लार्ज बॉडीज का, और इनको जरूरत है कि सेंट्रीपेटल फोर्स इसमें आपका साथ देता चला जाए। तो याद रखो, लाग्रेंजे पॉइंट का मतलब क्या? जब दो बॉडीज, जो दार खूब बड़ी बड़ी बॉडीज, आपस में ग्रेविटेशनल पुल्स की मदद से, सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से स्मॉल ऑब्जेक्ट को घुमा दें, इधर उधर कर दें। और ऐसे ही दो ग्रेविटेशनल सिस्टम नहीं है, बहुत सारे हैं, लाग्रेंजे पॉइंट बहुत सारे हैं, पांच पांच ऐसे हैं, और जिसमें से L4 L5 जो है आपका वो स्टेबल रहता है। तो हालो ऑर्बिट क्या? जो आपका बेसिकली पीरियोडिकली चले, 3 डायमेंशन में चले, और दो प्लेनेटरी बॉडी से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से बातचीत करता हो। तो हालो ऑर्बिट जो है वो 3 बॉडी सिस्टम में चलता है, अर्थ मून सेटेलाइट पे बातें करता है, लिंक्ड है ये L1 L2 L3 से। अब क्यों जरूरी है हालो ऑर्बिट को आदित्य L1 में डालने की क्या जरूरत पड़ी? ताकि हमें यहाँ पर 5 साल के लाइफ टाइम का मिशन हमारा अचीव हो पाए, फ्यूल का कंजम्पशन कम हो, यूज हो, और हम ना पूरी तरह से सन को चाहते हैं, सन को हम दृष्टि रखना चाहते हैं कि सन में ना अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू हम देखते चले जाएं, कि कैसा सन है, कैसे किस पोजीशन पे चल रहा है, कहाँ पे कैसे क्या होता है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमने ये हालो ऑर्बिट का इस्तेमाल किया है। आदित्य L1 पहला ऐसा मिशन है इंडिया के स्पेस मिशन में जो स्टडी करने गया है सन को। इसका ऑब्जेक्टिव है सन के कोरोना को देखना, सोलर इमिशंस को देखना, सोलर विंड को देखना, फ्लेयर्स को देखना, कोरल मार्स इजेक्शन को देखना। पेलोड, इसमें 7 पेलोड हैं, विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफिस का इस्तेमाल, टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करके, ताकि हमें सही ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट को सन के बारे में पता लगती रहे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है प्लेनेटरी डिफेंस। देखो, इसरो बहुत कीन है इस समय। इसरो चाहता है ग्लोबल प्लेनेटरी डिफेंस के एफर्ट को और अच्छा करना। कह रहा क्या है ये, कैसा मामला है? कह रहा देखो, इंटरनेशनल वर्कशॉप में एस्ट्रॉइड डे 2024 होता है, इसरो के चेयरमैन ने कहा कि इसरो इज लुकिंग टू स्टडी एस्ट्रॉइड एपोफिस, जो 32,000 किलोमीटर से भी दूर है, ताकि प्लेनेटरी डिफेंस एफर्ट लिए जा सके। एस्ट्रॉइड एपोफिस क्या होता है? 2004 में आया था, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है, आइडेंटिफाई किया गया था, बहुत ही आपका हैजार्डस एस्ट्रॉइड है जो अर्थ को इम्पैक्ट करता है। बिलियंस ऑफ कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। जब भी कॉमेट, एस्ट्रॉइड ये सारे सर्स के क्लोज आ जाते हैं ना, तो इनको न्यू अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है।
ये सब कैसे होता है, कैसे पता चलता है? कि रडार की ऑब्जर्वेशन तो हम 2021 से लगा ही रहे हैं, तभी से एस्ट्रोनॉमर्स को पता चला था कि कोई ऐसा रिस्क नहीं है, एफओफोबिस को कोई इम्पैक्ट नहीं करता है, सेंचुरी तक कोई नहीं करा। अब प्लानिटरी डिफेंस क्या है, इसमें हम स्ट्रेटेजी अपनाते हैं ताकि कैसे अर्थ को प्रोटेक्ट करें, क्या इसका पोटेंशियल इम्पैक्ट पड़ता है न्यू अर्थ ऑर्बिट्स पे, मल्टीपल स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करा जाता है। क्यों करते हैं हम न्यू अर्थ प्लानिटरी डिफेंस की जरूरत क्यों है? ताकि जितने भी नियो हैं वो अपने पाथ पे चल रहे हैं, डिसेक्ट कर रहे हैं अर्थ के ऑर्बिट को, कैसे कर रहे हैं, कितने साइज के हैं, कितना स्पीड है, कितना एंगल है, कितना ये लोगों के लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं, इनकी वजह से कितने सुनामी अर्थ को आ रहे हैं। इसीलिए नीड प्लानिटरी डिफेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो प्लानिटरी डिफेंस एफर्ट ऑलरेडी लिए गए हैं, नासा ने डार्ट लिया है जिसको डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली एस्ट्रॉयड के डिफ्लेक्शन, एस्ट्रॉयड कितना डिफ्लेक्ट करता है अपनी पोजिशन से, उसको इन्वेस्टिगेट करा जाता है। ऑसिरिक्स भी लिया गया, ऐसे ही आपका इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड वार्निंग नेटवर्क है, नियो कोऑर्डिनेशन सेंटर है ईएसए का, तो ये बहुत सारा काम इस तरह से करती जा रही है। इसके अलावा है मार्स का ओदेसी ऑर्बिटर। तो रिसेंटली नासा का जो मार्स ओदेसी ऑर्बिटर है, इसने आपका कैप्चर किया है लार्जेस्ट वोल्केनो नियर सोलर सिस्टम। ओलंपस मोनस कहाँ लोकेटेड है? मार्स में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है? मार्स में लोकेटेड है। 2001 में आया था, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूली एक्टिव ऑर्बिटल मिशन है, पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो ग्लोबल मैपिंग कर रहा है केमिकल एलिमेंट्स की, मिनरल्स की, कि कैसे मार्शल सरफेस बन रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है मार्स ओडिसी का? ताकि ये जान सके हम कि हाइड्रोजन का यहाँ पर कितना अबेंडेंस है, कितना यहाँ स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन होता है, इस सारी बातों का पता हमें मार्स ओडिसी से चल जाएगा। ल्यूनर केव को समझोगे तो ल्यूनर का मतलब मून के बारे में आप जानना चाहते हो, आपको क्योंकि जान के बड़ी खुशी होगी कि हमें अंडरग्राउंड एक केव मिली है मून पर जो कि सरफेस से एक्सेसिबल है। तो सी एट ट्रेंक्युलिटी पर मिला है जहाँ बहुत डार्क है, बहुत लार्ज बसाल्टिक प्लेन है लूनर सरफेस पे, वहां जाके हमें मिला है। और देखो ये ना पैसेज है वोल्केनो का। अब इस डिस्कवरी को हम इतना क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि हमें पता है भाई मून में बहुत इवोल्यूशन आ रही है, बहुत इवॉल्व हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स हैं वो कैसे रहेंगे, माइक्रोमेट्रियट वहाँ का टेम्परेचर के बारे में सब जानने की कोशिश कर रहे हैं। पता है एक बारी ना मैं ना मून के बारे में ही डिस्कस कर रही थी किसी से, तो हमने ना एक बात देखी कि मून पर आप सोचो इतना हैवी होता है मून प्लानट, हैवी इन द सेंस कि मून देखो प्लानट तो है नहीं, एक सैटेलाइट है बेसिकली। और मून पर जब आप कभी जाते हो ना, तो वहां पर आप हाफ चपाती खा लो पूरे दिन आपको लगेगा कि पेट भरा होगा, इतना जबरदस्त वहां पर लगाव लेवल होता है, प्रेशर इतना जबरदस्त होता है वहां पर। तो वही है, वहां पर हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठे कर रहे हैं। उसके बाद आता है आपका स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के बारे में। तो बजट 2024-25 में क्या बोलता है, अनाउंस किया गया कि सेंटर विल पार्टनर विद प्राइवेट सेक्टर ताकि वो भारत स्मॉल रिएक्टर्स बना सके। इस अनाउंसमेंट ने बहुत हिस्टोरिक शिफ्ट लिया है, इंडिया की पूरी न्यूक्लियर पॉलिसी पे शिफ्ट लिया है। एटमिक एनर्जी जो हमारा एक्ट था 1962 का, वो ना पहले हमें नहीं जाने देता था प्राइवेट सेक्टर्स को न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन के लिए, पर 2024-25 के बजट ने कमाल ही कर दिया। सेंटर ने बोला हम पार्टनरशिप कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर्स के साथ ताकि भारत स्मॉल रिएक्टर्स हम बना सकें, और इसको बिल्कुल ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ देखते हुए बनाया जाएगा, और इसमें फैक्ट्री मेड इजली असेंबलिंग कैसे करनी है वो सारा कुछ यहाँ पर डाला जाएगा, हैवी वाटर रिएक्टर कैसे डालना है। इससे हम चाहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी का इंडिया के एनर्जी बास्केट में कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ता चला जाए। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या होते हैं? एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, इनकी कैपेसिटी है 300 मेगावाट पर यूनिट, बहुत कॉमन है। सिग्निफिकेंस इनका यही है कि इससे फ्यूल की रिक्वायरमेंट कम हो लगे, कंस्ट्रक्शन टाइम सेव हो जाए, और एलिमिनेट हो सिग्निफिकेंटली लोअर द पोटेंशियल फॉर अनसेफ रिलीजेस। इसमें रेडियो एक्टिविटी ना हो, इसको भी हटाने के लिए हम ये काम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तोकामक फ्यूजन रिएक्टर। चाइना ने वर्ल्ड का पहला हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग तोकामक डिवाइस बनाया है जिसका नाम है HH-70। प्रीवियसली EU और जापान ने इनॉग्रेट करा था JT-60SA। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोस्ट एडवांस्ड टोकामक फ्यूजन रिएक्टर है जापान का। फिर हमने प्लेज ली, हमने कसम खाई कि हाइक हम क्या करेंगे, फ्यूजन रिसर्च सेंटर भी बनाएंगे, इंटरनेशनल जो थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल है ना उसके साथ मिलकर काम किया जाएगा।
तोकामाक ऐसे को जापान का ही नाम लग रहा है, मशीन है जो ना थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल करती है। इसका शेप है टोरिडल शेप है इसका, जैसे डॉट नेट देखा है आपने, बस बस वैसे ही होता है ये। ठीक है, तो इसके बाद ये कह रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है भाई, हम भी जरा जाने, क्योंकि आपको तो पता होना चाहिए कि भाई क्या होता है ये। देखो डफनट ऐसा होता है ना, डफनट देखो जैसे आपने खाया भी होगा, ये ऐसा ऐसा होता है, ये गोल गोल डोनट्स। बड़ा ही मेरे को तो बड़ा ही मीठा लगता है, मैं खाती ही नहीं इसको। खैर हम न्यूक्लियर फ्यूजन को पढ़ते हैं। अच्छा, न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो ना लाइट एटॉमिक न्यूक्ली मिलकर एक सिंगल हैवियर बनाते हैं और इससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ये तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फिशन क्या होता है ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर फिशन। ओ यहाँ पे तो न्यूक्लियर फिशन भी दिया होगा, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लार्ज एटमिक न्यूक्लिया जो स्प्लिट होकर स्मॉलर न्यूक् में बनता है, उससे भी एनर्जी रिलीज होती है। मोस्ट फ्यूजन रिएक्टर्स क्या होते हैं, मिक्सचर है ड्यूट्रियम का, ट्रिट्रियम का। ठीक है, ITER बेसिकली क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन पे हमने बात करी, तो एक ग्लोबल साइंटिफिक पार्टनरशिप है, चाइना, यूरोप, जापान, इंडिया, रशिया, कोरिया, US, सब है यहाँ पर। करंटली इसकी अंडर कंस्ट्रक्शन फ्रांस में चल रही है। इसका ऑब्जेक्टिव है फ्यूजन की वायबिलिटी को चेक करना। लार्जेस्ट तोकोमक डिवाइस यूज करा जा रहा है, करंट इसका रिकॉर्ड है फ्यूजन पावर गेन का, तो वो सब चीजें की जा रही हैं। ITER इंडिया में ध्यान रखना, इंडिया फॉर्मली ज्वाइन कर रहा है ITER प्रोजेक्ट को 2005 में। ITER हो गया, इंडिया हो गया, स्पेशली इम्पावर्ड प्रोजेक्ट है फॉर दी इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च। ऐसे ही इंडिया जो है रिस्पॉन्सिबल डिलीवरी कर रहा है ITER पैकेजेस की, जैसे क्रायोस्टैट है, वॉल शील्डिंग है, कूलिंग वाटर सिस्टम है, ये सारा का सारा काम इंडिया देख रहा है। अब आगे हम चलते हैं अपनी लाई फाई टेक्नोलॉजी पर। लाइट फाइडेलिटी बोलते हैं लाई फाई। वायरलेस सिस्टम है, विजिबल सिस्टम है। इसमें जैसे वाईफाई में रेडियो वेव्स यूज होते हैं ना, इसमें विजिबल लाइट यूज होती है। ठीक है, उसी लाइट की वजह से कम्युनिकेशन किया जाता है। अब देखो हुआ क्या, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक स्टार्टअप को फंडिंग दी है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस के प्रोजेक्ट के अंडर, जिसमें हम चाहते हैं लाई फाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिक्योर तरीके से इंडियन डिफेंस सेक्टर में, स्पेसिफिकली नेवी में यूज किया जाए। आईडेक्स क्या है, इसका काम ही है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट द्वारा, सॉरी डिफेंस द्वारा ये लाया गया था, और इसमें इनोवेशन टेक्नोलॉजी बढ़ाई जा रही है डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर की। अब लाई फाई क्या है, एक तरह का ना बाई डायरेक्शनल वायरलेस सिस्टम है। विजिबल लाइट का इस्तेमाल करता है, लाइट इमिटिंग डायोड का इस्तेमाल करता है। इसमें क्या होता है, LED ट्रांसमीटर में लगाकर डेटा को इनेबल किया जाता है कि वो बाइनरी कोड्स को पकड़े। और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, एयरक्राफ्ट्स में, हॉस्पिटल्स में, पावर प्लांट्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो इंटरफेरेंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे ये टेक्नोलॉजी होती है। देखो आप कि बल्ब कैसे जला, इंटरनेट चल रहा है, फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है बहुत फास्ट, एम्प्लीकेशन हो रहा है स्ट्रीमिंग कॉन्टेंट, LED लैंप लगाया और डिटेक्ट हो गया, डेटा चल गया। देखो ये तो लाई फाई को क्यों वाई फाई की जगह यूज करने की बात चल रही है, उसका कारण है फास्टर कम्युनिकेशन, क्योंकि इससे इंटरफेरेंस कम होगी, बैंडविड्थ हाई डेटा की ज्यादा बढ़ेगी, ये चीपर सस्टेनेबल है, ये सिक्योर है, क्योंकि लाइट जो है वो वॉल्स के थ्रू पास नहीं करेगी जैसे रेडियो वेव्स करती हैं। ठीक है, तो फिर डिसएडवांटेज क्या है, मच शॉर्टर रेंज देन वाई फाई, इसकी रेंज इतनी नहीं है इतनी वाईफाई की है, ये एक्सेस नहीं कर सकते आप, इल्यूमिनेशन रेंज लाइट की होगी नहीं, जहाँ लाइट नहीं ना फिर आप एक्सेस भी नहीं कर पाओगे वाईफाई का, तो ये इसका नुकसान है। अब हम चलते हैं स्टील स्लैग पर। स्टील स्लैग क्या होता है, देखो गाइडलाइंस है स्टील स्लैग बेसिकली, इस पे ना गाइडलाइंस आई है। स्टील स्लैग तो सॉलिड वेस्ट जनरेटेड है, स्टील जब आप बनाते हो ना उसी से, स्लैग मतलब क्या, कूड़ा कचरा जो निकलता है। अब इसमें देखो इसमें भी फायदा है, सॉलिड वेस्ट जो जनरेट होता है उसके अंदर भी ऑक्साइड होते हैं कैल्शियम, आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम के, और इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लेंडिंग करना हो किसी मटेरियल का, पोर्टलैंड सीमेंट बनाना हो, फर्टिलाइजर सॉइल की इम्प्रूवमेंट में इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसी के लिए गाइडलाइंस निकाल कर लाया गया है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, कह रहा क्योंकि बहुत फायदा है स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी का, इससे रोड की ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी, स्किन रेजिस्टेंस इम्प्रूव होगा, इन्वायरमेंट को बहुत फायदा देता है जो इसका वेस्ट होता है, कार्बन फुटप्रिंट कम होगा रोड की कंस्ट्रक्शन में, तो स्टील स्लैग इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है डार्क ऑक्सीजन, तो
साइंटिस्ट ने ना बताया कि देखो जी, डार्क ऑक्सीजन के बारे में इतना समझ लो, ये पैसिफिक ओशन के डीप में जाके मिलेगा, 13,100 फीट पे। ऐसा माना जाता है डार्क ऑक्सीजन ऑक्सीजन वो जो कि प्रोड्यूस हुई हो बिना फोटोसिंथेसिस के। तो अकॉर्डिंग टू द स्टडी, ये मेटलिक नोड्यूल्स जो आपके सी फ्लोर पे प्रेजेंट है वही यूज हो रहे हैं। नेचुरल मेटल फॉर्मेशन है, कैटेलाइज कर रहे हो आप सी वाटर को, स्प्लिट कर रहे हो, और हाइड्रोजन वाटर में वो कन्वर्ट हो रहा है। मरीन प्लांट से निकल कर ये आता है। डिस्कवरी चैलेंजेस तो फिर जो हैं वो अलग से निकल कर आ ही रहे हैं। उसके बाद है डेनिसोवन। डेनिसोवन क्या होता है, साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई करा कि बोन आपकी मिली है कहाँ पर, तिब्बतन भैशिया कास्ट केव में। उनको डेनिसोवन इंडिविजुअल बोलते हैं, यानी ये एक ऐसा एक्सटिंक्ट स्पीशी है होमोनिड का और क्लोज रिलेटिव है मॉडर्न ह्यूमंस का। साइबेरिया में, साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है ये। डीएनए एविडेंस ने जैसे ये निकल कर आया ना जब डेनिसोवन, तो ये बेसिकली आपके नींदरथल्स और मॉडर्न ह्यूमंस का ही निकल कर आया है। एंसेस्टर जो है वो आपके इसमें होमो हेडलबर्गस है, ये सारे के सारे हैं। तो याद रखना, कर्स्ट केव से निकल कर ये बेसिकली आया है। लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर ल्यूका, साइंटिस्ट ने सजेस्ट करा 300 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ के फॉर्मेशन के समय मिला ही हमें। तीन ब्रांचेस ऑफ लाइफ होती है, बैक्टीरिया, आर्चिया, यूक्रिया। ये ओरिजिनेट हुई सिंगल माइक्रिया, उसी को ल्यूका कहते हैं। कोई फॉसिल एविडेंस नहीं है, लेकिन कह रहा है कुछ कुछ करेक्टरिस्टिक्स से समझ आया। कह रहा है देखो जो ना एनारोबिक कैसे पता चलता है, ग्रीन एनवायरनमेंट डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, थर्मोफिली जिसमें हीट है, मेटाबॉलिज्म यानी कि जो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन पे कार्बन पे डिपेंडेंट होते हैं, है ना। जैसे आपका देखो, जब डिपेंडेंट अपॉन हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया, जब ये टर्न होते हैं कंपाउंड्स में, अमोनिया बनाते हैं, क्योंकि उससे ही पता चलता है। ये सारे एविडेंसेस हैं कि ल्यूका फॉर्मेशन है। फिर इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड हुआ, तो 6 मेंबर स्टूडेंट थे टीम फ्रॉम इंडिया, जिनमें से 4 गोल्ड मेडल मिले हैं, 1 सिल्वर मेडल मिला है, 1 ऑनरेबल मेंशन मिला है। कहाँ से मिला है, इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड से। बेस्ट परफॉर्मेंस रही है इंडियन इन आईवास सिंस, सोचो 1989 चल रहा है और इस बार हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस आई है। वर्ल्ड का चैंपियनशिप मैथमेटिक्स कॉम्पिटिशन है ये, हाई स्कूल के बच्चों के लिए। डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में हर साल किया जाता है। पहला IMO 1959 रोमानिया में हुआ था। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल अवार्ड किए जाते हैं, ऑनरेबल मेंशन दिया जाता है अगर आपने अच्छे एफर्ट्स मारे हैं तो। दिस इज ऑल फॉर योर शॉर्ट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टुमारो विल डिस्कस कल्चर पार्ट, ठीक है। किसी भी टॉपिक को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। इफ़ यू फेस एनी डाउट, प्लीज लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे।